कैलेंडर का क्वेश्चन लेते हैं। इफ द डेट February 29, 2004 इज संडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द डेट February 28, 2005 बी। अगर 29 February 2004 को संडे था तो 28 को क्या था एक दिन पहले? सैटरडे था, ठीक है। इसके अलावा 2004 में फरवरी में टोटल 29 डेज थे और ईयर में 366 डे। 2005 में फरवरी में 28 डेज और ईयर में 365 डेज थे। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं तो 1 रिमाइंडर रहता है। 366 को 7 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर रहता है। 29 को 7 से डिवाइड करूं तो 1 रिमाइंडर रहता है। 28 को 7 से डिवाइड करूं तो कोई रिमाइंडर नहीं रहता, 0 रहता है। 30 को 7 से डिवाइड करूं तो 2 रहेगा। 31 को 7 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर रहेगा। इन सबको 1, 2 जो भी आए हैं रिमाइंडर, उनको ऑड डे कहते हैं। कैलेंडर में कॉन्सेप्ट है ईच सेवंथ डे ऑफ द कैलेंडर इज सेम डे। क्या मतलब हुआ? अगर फर्स्ट डे है, मंडे है, तो अगेन 8th को मंडे आएगा, 15th को मंडे आएगा, 22 को मंडे आएगा, 29 को मंडे आएगा। यानी ईच 7 डे या 7 के मल्टीपल डे, यानी 7 डेज बाद में या 14 डेज बाद में या 21 डेज बाद में या 28 डेज बाद में वापस वही डे वापस आता है। इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज़ करके अगर एक साल बाद का निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर 28 February 2004 को सैटरडे हो तो 28 February 2005 को टू डेज आगे इसलिए जाएंगे क्योंकि बीच में February 29 आ रहा है। तो टू डेज आगे जाएंगे तो सैटरडे से टू डेज आगे सैटरडे, संडे, मंडे, तो 28 February 2005 को मंडे था। इसी तरह से अगर मेरे को निकालना हो कि 28 February 2003 को क्या था, तो 2004 से पीछे जा रहे हैं तो 2004 से 2003 के बीच में February 29 नहीं आ रही, तो एक दिन पीछे जाना है। तो एक दिन पीछे जाएंगे तो सैटरडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो फ्राइडे। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो
28 फरवरी 2006 को क्या होगा? तो मंडे से एक दिन आगे जाएंगे तो आ जाएगा 2 बस ध्यान ये रखना है, अगर 29 फरवरी बीच में आ रही हो तो 2 आगे या पीछे जाना है, नहीं तो 1 आगे पीछे जाने से आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया मंडे।